और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने दामाद की कितनी मदद की बिजनेस सेट करने में। वो लड़का बहुत मेहनती है, माशाल्लाह से 2 सालों में बहुत तरक्की कर ली उसने। अच्छा, अब मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हूँ। बहुत ही शरीफ और खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छे खानदान की लड़की दिखानी पड़ेगी आपको, और वो भी जल्दी। अगर मेहनाज मुझे शॉप दे देती तो सीधी सादी औरत की भांजी के लिए रिश्ता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था। मेरे बेटे ने MBA किया हुआ है, बहुत सादा शरीफ और मेहनती बच्चा है। अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा है। माशाल्लाह। आप ले ना कुछ। नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉम, फोन आ रहा था। अच्छा, प्रॉपर्टी ब्रोकर होगा, ठीक है, तुम जाओ। आपकी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इसका रिश्ता? नहीं, फिलहाल तो इसके बारे में नहीं सोचा हमने। तो आप सोच लेना, हम फूलों की तरह रखेंगे आपकी बेटी को। हाँ, लेकिन पहले भी आपने छानबीन करवाई थी, दोबारा करवा लें, इंशाल्लाह तसल्ली ही होगी आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे लगता है जैसे अंबर ना इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। अरे मशरकी लड़कियां शर्म के मारे ऐसा बोलती है, लेकिन शादी तो करनी पड़ती है, ये तो रीत है ना, बेटियों को रुखसत होना ही पड़ता है। जी, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बेटी, प्लीज। चलें, सोचती हूँ। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। तो फिर मैं उम्मीद रखूं? नहीं, कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए और मुझे अपने बेटे से भी मशवरा करना होगा। ओके, मैं इंतजार करूंगी।